लेट्स डिस्कस सम केस स्टडी ऑन आईएएस ऑडिट। देखिए यहाँ पे बेसिकली जो ऑडिटी फर्म है वो है एआईए एयरक्राफ्ट्स लिमिटेड, और यहाँ पे एक आईएएस ऑडिटर इस फर्म में ऑडिट करने के लिए जा रहा है। अब ये ऑडिटी जो फर्म है ये आखिर करती क्या है, तो ये प्राइवेट जेट्स मैन्युफैक्चर करती है और साथ में कुछ एविएशन एसेसरीज वगैरह वो मैन्युफैक्चर करती है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि कंपनी क्या है। अब आईएएस ऑडिट क्या करने जा रहा है आईएएस ऑडिटर वहाँ पे, तो किस चीज़ का ऑडिट, स्कोप ऑफ वर्क क्या रहने वाला है। तो स्कोप ऑफ वर्क ये रहेगा कि ये जो कंपनी है ये एयरक्राफ्ट, इन लोगों ने इनका पहले से कोई एक ईआरपी सिस्टम इंस्टॉल था, ईआरपी लेगेसी सूट था इनका, तो उसके ऊपर इन लोग फायरवॉल सिस्टम जो है न्यूली इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो अब जो नया फायरवॉल सिस्टम लगाया जा रहा है, तो इसमें ये जो कंपनी है ये चाहती है कि आईएएस ऑडिटर इसकी इफेक्टिवनेस को चेक करे कि ये फायरवॉल ढंग से काम कर रहा है कि नहीं, और जो ईआरपी सिस्टम से जो इसका इंटरफेस है आपस में जो लिंकिंग है उसको भी यहाँ पे ये चेक किया जाए। तो इसके लिए यहाँ पे आईएएस ऑडिटर को अपॉइंट किया गया है। तो ये तो था केस का सिनेरियो कि आखिर ये किसका ऑडिट किया जा रहा है और क्या किस चीज़ का ऑडिट किया जा रहा है। अब ऑडिट यहाँ पे चालू होता है, आईएएस ऑडिटर यहाँ पे जाता है आईएएस ऑडिट करने के लिए, और वो चेक करता है इसकी सिक्योरिटी पॉलिसी को। तो सिक्योरिटी पॉलिसी में जो रूल्स रहते हैं उसको वो पहले पढ़ता है और उसके हिसाब से वो फिर अपनी ऑडिटिंग को चालू करता है। तो ऑडिटिंग जब चालू करता है तो वो देखता है कि जो फायरवॉल का ऑपरेशन लॉग्स जो रहता है, जो अलग से जो ऑपरेशन लॉग क्रिएट होता है कि कौन क्या एक्सेस कर रहा है, उसका पूरा एक लॉग क्रिएट होता है फायरवॉल के अंदर। तो फायरवॉल के लॉग के वो सैंपल बेसिस में जब वेरीफाई कर रहा होता है तब उसको वो देखता है कि वहाँ पे कोई दो लोग, दो जो यूज़र है, कोई एक एक्सटर्नल सोर्सेस को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो ऐसी एक लैकुना को आइडेंटिफाई करता है। तो जैसे ही उसको ये पता चलता है कि ये तो सिक्योरिटी पॉलिसी से हट के कुछ काम हो रहा है, इन लोग कोई दो लोग जो है वो कुछ और एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो तुरंत उस ऑडिट फाइंडिंग को इशू कर देता है और साथ में एक्सप्लेनेशन मांगता है मैनेजमेंट से कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये एक सीनेरियो आप समझिए, ये पूरा का पूरा केस सीनेरियो चल रहा है कि किस तरीके से यहाँ पे ऑडिट आगे बढ़ रही है। अब इस ऑडिट में जैसे जैसे आगे बढ़ रही है कुछ गलतियां भी होती जा रही है ऑडिटर से, वही सारी गलतियां हमें क्वेश्चंस बन के आगे आने वाली है। तो इसको ध्यान से सुनिए कि वो क्या कर रहा है। तो उसने क्या किया कि जैसे ही उसने ऐसी कोई गलती पकड़ी, वो गलती को पकड़ते साथ ही तुरंत ऑडिट फाइंडिंग जो है उसको इशू कर दिया और साथ में एक्सप्लेनेशन मांगने चला गया मैनेजमेंट के पास। फिर उसने और थोड़ा जब लॉग्स को और एनालाइज करना चालू किया तो फायरवॉल ऑपरेशनल लॉग्स को पढ़ते पढ़ते उसने ये देखा कि कोई एक साइट है जिसको प्रिवेंट हो जाना चाहिए, सिक्योरिटी पॉलिसी के हिसाब से वो एक्सेस नहीं हो पानी चाहिए हमारे ये ईआरपी इंस्टीट्यूट में, वो प्रिवेंट नहीं हो पा रही थी, वो साइट लोग एक्सेस कर ले रहे थे। तो कोई एक्सटर्नल साइट थी जिसको फायरवॉल को रोकना चाहिए था पर वो फायरवॉल रोक नहीं रहा था। तो ये जैसे ही उसको एक गलती पता चली उसने आईटी मैनेजमेंट वाले टीम से बात किया, तो आईटी मैनेजमेंट टीम ने उसको तुरंत ठीक कर दिया। तो ठीक तो हो गई थी वो गलती, फिर भी आईएएस ऑडिटर ने उसको अपने आईएएस ऑडिट रिपोर्ट में रिपोर्ट कर दिया कि ये ऐसी ऐसी गलती हुई थी और ये नहीं होनी चाहिए, तो वो उसने रिपोर्ट कर दिया। तो यहां पे अब पहला क्वेश्चन निकल के आता है कि जैसे कि हमने केस में देखा, जैसे ही वो दो यूजर्स जो एक्सेस करना चाह रहे थे एक्सटर्नल सोर्सेस को, तो वैसे केस में अगर ऐसा कुछ होता है तो फर्स्टली ऐसा कुछ सिचुएशन अगर आईएएस ऑडिटर को पता चलती है तो उसको सबसे पहला काम क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, इन्फॉर्म द मैनेजमेंट एंड एक्सपेंड द सैंपल टू गेट फर्दर एविडेंस, सेकेंड इशू एन ऑडिट फाइंडिंग, थर्ड सीक एक्सप्लेनेशन फ्रॉम मैनेजमेंट, और फोर्थ आस्क फॉर क्लेरिफिकेशन फ्रॉम द फायरवॉल वेंडर। तो अब लाइन से देखते हैं, देखिए जैसे ही उसको पता चलता है तो हमारा जो जो ऑडिट स्टैंडर्ड है वो ये बोलता है कि जब तक कोई एक सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिल जाते, जब तक हम कोई ओपिनियन नहीं दे पाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये पता करना चाहिए कि क्या उसके और उसकी सैंपल साइज को इंक्रीज करना चाहिए और उसमें सब्सटेंटिव टेस्ट प्रोसीजर्स लगाने चाहिए और उसे पता करना चाहिए कि ये आखिर क्यों हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, ये मटेरियल है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें हम पहले पता करेंगे। फिर उसके बाद ये भी देखेंगे कि ये जो आइसोलेटेड इंसिडेंट है, मतलब खाली एक सिस्टम खाली एक गलती से हो गया या तो फिर सिस्टमेटिक फेलियर है कि ये बार बार गलतियाँ हो रही है इस टाइप की, तो इसको भी हम देखेंगे। तो इसके हिसाब से हमारा जो आंसर है वो फर्स्ट आंसर है वो करेक्ट है, और साथ में हमें ये भी रहता है कि एक बार जो भले हमें ये सब अभी और भी हम एनालाइज कर रहे हैं इसको और ज़्यादा उसकी ऑडिटिंग चल रही है, उसके साथ साथ हमें मैनेजमेंट को भी इन्फॉर्म कर देना चाहिए। तो मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करना है और साथ में अपनी जो सैंपल साइज है उसको इंक्रीज करना है, सब्सटेंटिव टेस्ट प्रोसीजर्स वगैरह लगा देनी है और बढ़ा देनी है, तो ये सारा काम करना रहेगा, ये हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस होना चाहिए। अब दूसरा जो इसमें ऑप्शन था, इशू ऑडिट फाइंडिंग,
तो ये ऐसा तो हम नहीं कर सकते क्योंकि स्टैंडर्ड्स हमें मना करता है। स्टैंडर्ड्स ये बोलता है कि जब तक कोई सफिशियंट एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं मिल जाते आप ऑडिट फाइंडिंग्स नहीं इशू कर सकते। थर्ड भी वही कारण से ऑप्शन जो है वो नहीं हो पाएगा, सीक एक्सप्लेनेशन फ्रॉम मैनेजमेंट, या मैनेजमेंट से जब तक एक्सप्लेनेशन नहीं मांग सकते जब तक हमारे पास कोई सफिशियंट एप्रोप्रिएट एविडेंस ना हो जाए। और लास्टली फायरवॉल वेंडर से क्लेरिफिकेशन लेना। तो ये पूरे मामले को पहले हमें प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, तब हम वेंडर से कुछ बात कर सकते हैं, फायरवॉल वेंडर से। और जी इस केस में जिस तरीके से बताया गया है कि जो फायरवॉल वेंडर है वो एक्सटर्नल पार्टी है, मतलब हमारे कोई कंपनी में इन्वॉल्व नहीं है वो, तो ऐसे केस में हमें प्रीमिसेस से बाहर जाके ओवरस्टेपिंग नहीं करनी चाहिए। तो ये क्या है, एक प्रकार से ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पहले प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करे, उसके बाद वो कोई कदम उठाए। तो इसलिए पहला जो ऑप्शन है वो ही करेक्ट है, इन्फॉर्म द मैनेजमेंट एंड एक्सपेंड द सैंपल टू गेट फर्दर एविडेंस। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसी केस में ध्यान दीजिए, दूसरा एक सिचुएशन आई थी इस केस में कि वहां पे कोई एक वेबसाइट एक्सेस हो जा रही थी जो कि नहीं होनी चाहिए थी, और उसको जैसे ही मैनेजमेंट को बताया, आईटी मैनेजमेंट को आईएएस ऑडिटर ने, तो उन्होंने उसको तुरंत ठीक कर दिया। तो ऐसे केस में अब ऑडिटर के पास क्या चॉइसेस बन जाती है, तो यहाँ पे चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि रिपोर्ट द सेम इन हिज ऑडिट रिपोर्ट इफ द फाइंडिंग इज मटेरियल। दूसरा है डोंट इंक्लूड इन द ऑडिट रिपोर्ट एज द सेम इज करेक्टेड। अब ठीक हो गया तो रिपोर्ट मत करो, ये बोल रहा है। पहला बोल रहा है कि रिपोर्ट कर दो अगर फाइंडिंग मटेरियल है तो। वैसे ये पहला पॉइंट ही हमें सही लग रहा है क्योंकि देखिए मटेरियल है अगर कोई चीज तो वो चीज भले ही ठीक हो गई हो फिर भी हमें उसको ऑडिट रिपोर्ट में तो रिपोर्ट करनी चाहिए, ऐसा हमारा स्टैंडर्ड बोलता है। तो स्टैंडर्ड्स के हिसाब से मटेरियल चीज को रिपोर्ट करनी चाहिए। तो यहाँ पे ये मटेरियल थी, ये जो कोई दूसरी वेबसाइट एक्सेस हो जा रही थी तो ये मटेरियल चीज थी जो कि सिक्योरिटी पॉलिसी के हिसाब से नहीं होना चाहिए थी, तो इसको हमें ऑडिट रिपोर्ट में रिपोर्ट करना चाहिए, जो कि इस केस में किया है मैं आईएएस ऑडिटर ने, तो वो सही किया है। अब दूसरा है कि इसको रिपोर्ट मत करो क्योंकि ठीक हो गया है, तो ये गलत बात है, अगर मटेरियल है तो करना चाहिए था। फिर तीसरा है कि इसको ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड मत करो बट एग्जिट इंटरव्यू में जब इसके लिए रिकमेंडेशन वगैरह दे दो। तो ऐसे केस में ये भी गलत है क्योंकि अगर मटेरियल चीज़ है तो एग्जिट इंटरव्यू में बस बात कर लेंगे कि भाई यार ऐसी ऐसी कुछ गलती हुई थी, तो ये भी सही नहीं रहेगा, इसको रिपोर्ट करना ज़रूरी है। और लास्टली ऑप्शन ये है कि इसको ऑडिट रिपोर्ट में मत इंक्लूड करो और लेटर ऑफ अप्रिशिएशन दे दो आईटी मैनेजमेंट को। तो सेम रीज़न, स्टैंडर्ड्स के हिसाब से मटेरियल है तो रिपोर्ट करना है, और आईटी जो लेटर ऑफ अप्रिशिएशन वगैरह अगर कुछ देना है हमें तो वो कोई हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में नहीं आता, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, तो ये उसका पार्टी नहीं है। तो ये तो कोई जो ऑप्शन है वो सेंसलेस है। अब थर्ड जो क्वेश्चन है इसी केस का थोड़ा सा फॉरवर्ड वर्जन है, मतलब थोड़े आगे की चीज़ यहाँ पे ये है कि जैसे ही ऑल्टर को यहाँ पे कुछ कुछ गलतियाँ दिखी फायरवॉल में, तो उन्होंने क्या किया, अपनी एक सिस्टर कंसर्न को बोला या रिकमेंड किया कि ये आपकी जो भी वीकनेसेस है वो दूर कर देगी, तो अपनी सिस्टर कंसर्न को यहाँ पे रिकमेंड कर दिया। तो अब यहाँ पे ऐसी चीज़ में आईएएस ऑल्टर ने क्या गलती करी, पहला है प्रोफेशनल इंडिपेंडेंस, दूसरा प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, तीसरा ऑर्गेनाइजेशनल इंडिपेंडेंस, और चौथा है पर्सनल कॉम्पिटेंस। तो यहाँ पे जो सबसे बिगेस्ट पॉइंट आता है वो है प्रोफेशनल इंडिपेंडेंस, क्योंकि अगर यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ अगर आईएएस ऑर्डर करता है जिसके कारण उसका डिसीजन बायस्ड हो जाएगा, तो वो वैसे केस में यहाँ पे जो प्रोफेशनल इंडिपेंडेंस है वो मेंटेन नहीं करी जा रही है। तो एथिक्स में और स्टैंडर्ड्स वगैरह में सबसे ज़्यादा वेटेज प्रोफेशनल इंडिपेंडेंस को दिया जाता है, तो ये यहाँ पे आंसर रहेगा। दूसरा प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस था, तो कॉम्पिटेंस तो यहाँ पे है ही, तभी तो वो गलती आप खोज पा रहा है आईएएस ऑर्डर, तो कॉम्पिटेंस का तो यहाँ पे कोई सवाल नहीं उठता। तीसरा ऑर्गेनाइजेशनल इंडिपेंडेंस, तो यहाँ पे आईएएस ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं ऑर्गेनाइजेशनल इंडिपेंडेंस का, तो वो भी यहाँ पे ऑप्शन नहीं हो सकता। और पर्सनल कॉम्पिटेंस, यहाँ पर्सनल कॉम्पिटेंस का भी यहाँ पे कोई बात नहीं आ रही है, इसलिए वो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मेन जो आंसर है वो है प्रोफेशनल इंडिपेंडेंस।